नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ को लेकर धरने पर हैं, जिसमें अन्य कई दलों के नेता भी इस धरने पर पहुंचने वाले हैं। और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन और काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ना तो इन 4 सालों में कोई नया स्कूल खोला और ना ही कोई नया कॉलेज खोला, और यहाँ लोकतंत्र बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं, जबकि लोकतंत्र की तो वो खुद हत्या कर रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है। दिल्ली के बच्चों के लोकतांत्रिक अधिकारों की केजरीवाल हत्या कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। आप देखोगे पिछले 3 साल में 9वीं और 11वीं में 5,16,951 बच्चे फेल हो गए हैं, उनको री एडमिशन नहीं दिया जा रहा, वे बच्चे कहाँ जाएंगे। उसके अलावा पिछले 4 साल में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है, स्कूल नहीं खुले हैं। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग पर केजरीवाल सरकार जिंदा है, धरातल पर उतरेंगे तो कुछ भी नहीं है। काफी देर तक बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ काले झंडे और नारेबाजी करते रहे, जिसकी वजह से तनाव पैदा हो गया। तनाव देख पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।